बहुत बड़ा सा सवाल है ये अपने आप में, क्योंकि इसका इसकी जिंदगी को परिभाषित करने के लिए युगों युगों से लोग लगे हैं, अभी तक तो परिभाषित नहीं कर पाए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन जैसा आपने खुद भी कहा कि जिंदगी जितनी जिंदगियां हैं उतनी ही परिभाषाएं जिंदगी की है। आपके लिए जो जिंदगी की परिभाषा है हो सकता है वो मेरे लिए ना, जो मेरे लिए है हो सकता है वो राघवेंद्र सिंह जी के लिए ना हो, जिनका कमेंट देख, ठीक है। मेरे लिए जो अपनी जिंदगी की परिभाषा है, मैं इसको सफर के तौर पर देखता हूं, सीरियसली मैं सफर के तौर पर देखता हूं। मुझे मैं ये मानता हूं कि ये सफर भी मेरा नहीं है, जिसके हाथ की मैं कठपुतली हूं। आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं या मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ऐसा मानता हूं, ये सफर भी मेरा नहीं है, जिसने यहां मुझको भेजा है उसकी जिम्मेदारी है। इस सफर में जो वो मुझसे करा रहा है मैं कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी को इस रूप में देखना चाहूंगा, कभी जब मैं अब से 80-90 साल बाद बुढ़ापे की तरफ जाऊंगा, कि अगर मैं उस पर गुरूर भी ना कर सकूं, अगर मुझे उस पर प्राउड ना हो, पहली कोशिश तो ये होगी कि मुझ उसमें ज्यादा पल ऐसे हों जिन पर मुझे प्राउड हो, तो कम से कम शर्मिंदगी ना हो। मैं अपनी जिंदगी को इस रूप में देखना चाहूंगा, बस इतना सा मेरा वो है। कामयाबियां हों या ना हो, ऊंचाइयां हों या ना हो, बहुत ज्यादा नीचापन ना हो कि जिन पे मुझको बात शर्म। मैं अपनी जिंदगी को इस रूप में देखता हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी मेरी परिभाषा नहीं है। जहां तक सफलता का सवाल है, सफलता के बारे में आपने पूछा, सफलता के भी पैमाने अलग अलग हैं, सफलता के भी मायने अलग अलग हैं। किसी के लिए गाड़ी बड़ी होना सफलता है, किसी के लिए बंगला बड़ा होना सफलता है, किसी के लिए नाम होना सफलता है, किसी के लिए पावर और सत्ता होना सफलता है। मेरे लिए सफलता का मतलब है संतुष्टि। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं जब मुंबई आया, मुंबई आने के कुछ सालों तक हम जब ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस मूड से आते हैं कि मुंबई तो पूरा छान मारेंगे हम, बस हम ही हम होंगे मुंबई। एक उम्र भी होती है आदमी की और उसको लगता है कि ऐसा करेंगे, बहुत लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद जब धीरे धीरे आपको लगता है कि आप जहां फंसे हुए हैं यहां से बहुत लंबी ऊंची छलांग नहीं लगा पा रहे हैं, काम आप रोज कर रहे हैं, शूटिंग आप रोज कर रहे हैं, लेकिन जो जो होता है ना, एक फिल्म में भी देखिए आप कितने लोगों को जानते हैं, 2-3-4 एक्टर को आप याद करते हैं, स्टारडम जिनके पास होता है, बाकी एक्टर होते हैं, बाकी लोग सिर्फ काम कर रहे होते हैं। तो मुझे उस समय कुछ दिनों तक बहुत दुख रहा, बहुत मुझे ऐसा लगा कि यार घर भी छोड़ के आ गए हैं, ऐसा भी ऐसा भी। फिर मुझे एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि शाहरुख खान साहब रात में नहीं सोते, मैंने ऐसा पढ़ा, मुझे नहीं पता, मैं उनके घर कभी गया नहीं, क्योंकि कोई उस समय दूसरे बड़े स्टार जो आ रहे थे सब लोग जानते हैं, मैंने सुना कि उस वजह से उनको नींद नहीं आती है, सुबह 5 बजे तक जगते, मुझे नहीं पता ये बात सही है गलत। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब शाहरुख खान होना कोई छोटी बात है क्या, मतलब हम जैसे कितने लोग, कितने लाखों लोग सोचते हैं कि शाहरुख खान का 10वां हिस्सा हो जाए, इसका मतलब खुशी वहां भी नहीं है गुरु, वहां तक पहुंचना एक तो बड़ा असंभव है, जितने लीजेंड्स ये लोग हो गए, और वहां पहुंच के भी अगर उनको नींद नहीं आती तो फिर इसका मतलब सुख कहीं और है। तो मुझे लगता है कि संतुष्टि जो है वो सबसे बड़ा, मैं उसको सफलता मानता हूं। और आप अगर दूसरे नजरिए से देखें दिव्या जी, दुनिया में जो कुछ भी होता है, हम जो भी करते हैं, मेरा दावा है वो हम सिर्फ संतुष्टि के लिए करते हैं। हिमालय पर जाकर ईश्वर की साधना करने से लेके किसी व्यक्ति का मर्डर करने तक के पीछे जो भावना होती है वो संतुष्टि की। मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा तो क्या होगा, मुझको संतुष्टि मिलेगी। मैं इस आदमी को मार दूंगा, क्यों, इसको मार के मुझको संतुष्टि मिलेगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखो मैं तो संतुष्टि, इसी के बीच में सारी चीजें आ जाती हैं, किसी को मारने से लेके और ईश्वर को पा लेने तक, चाहे फिर वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फिल्म हो, जितनी भी चीजें हो। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सफलता वो है कि मैं संतुष्ट हूं, इसलिए मैं सफल हूं, मैं आज भी सफल।